भारत सरकारनी आजादीना 75 वर्षनी उजावणी संदर्भे आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत अरवली जिल्लामां क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम योजवामां आव्यो। आ कार्यक्रममां सरकारी बैंकने लगती विविध योजनाओनो लाभ एक ज जग्याएथी लाभार्थीओने मळे ते माटे आ कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे जिल्ला कलेक्टर डॉक्टर नरेन्द्र कुमार मीणाए लाभार्थीओने संबोधन आपता कह्युं के 16 ऑक्टोबर थी 30 ऑक्टोबर सुधी भारत सरकारना नेम निर्देश हेठळ जिल्लामां आ प्रकारना कार्यक्रमो योजनार छे, जेमां बैंकना कर्मचारीओ साथे मीटिंग करीने 100 करोड़नुं टार्गेट आपवामां आव्युं छे। अत्यारे टोकन स्वरूपे सेक्शन करीने एज्युकेशन लोन, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, पर्सनल लोन जेवी लोन आपवा स्टॉल उभा करवामां आव्या छे। लोन वंशीओ छे अने एज्युकेशन लोको छे तेमने लोन लेवा माटे अपील करी हती। आ कार्यक्रममां बैंक ऑफ बरोडा प्रादेशिक मैनेजर राजकुमार महावरे सभाने संबोधित करी अने खास करीने कोविड रोगचाळा पछीनी पहलना महत्व पर प्रकाश पाड्यो। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्रामनो एकंदरे उद्देश्य बजारमां वपराश अने मांगने वधारीने आर्थिक स्वास्थ्यने पुनर्जीवित करवानो छे। क्रेडिट ऑफ टेक द्वारा सुविधा आपवामां आवे छे अने दिवाळीनी आगामी તહેવારોની મોસમની તકનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આજે અરવલ્લી જિલ્લામાં મોડાસા ખાતે भारत सरकार ना फाइनेंस मिनिस्ट्री अने अपना गुजरात सरकार ना वित्त विभाग बन्ने ना निर्देशन हेठळ क्रेडिट आउटरीच नो प्रोग्राम ना आयोजन करवामां आवेलो छे। आ हेठळ 16 ऑक्टोबर थी 31 ऑक्टोबर सुधी जिल्लामां तमाम जे 130 ब्रांचेस छे ए बधा जे पण लोन छे, एज्युकेशन लोन छे, होम लोन छे, बधाने अमे बधा बैंको साथे मीटिंग करीने एने ओछामां ओछुं 100 करोड़ रुपयानो लोननो डिस्ट्रीब्यूट थाय आ रीतना टार्गेट आप्या छे। ए बधा जे प्राइमरी सेक्टर छे, प्रियोरिटी सेक्टर छे, एने लेंडिंग साथे जोड़ायेला छे, एमांथी अत्यारे टोकन स्वरूपे दरेक केटेगरीमां जे बे बे लोको छे एमने लोन जेने लोनना डॉक्युमेंट आपवामां आव्या छे सेंक्शन करीने। पण तो आ समयगाळा दरमियान 15 दिवसना दरमियान तमाम बैंक ब्रांचेजमां स्पेशल कैम्पेन चलावामां आव्युं छे अने आजे प्रोग्रामना स्थले पण डिफरंट बैंक्सना स्टॉल राखवामां आव्या छे कि ज्यां दरेक योजनानुं અને જે પણ ઇસ્યુ જોઈએ તેને સાંભળીને એને માર્ગદર્શન આપવા માટેનો એ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેમાં આપ તમામને આપણા જિલ્લાના જે પણ લોકો છે જેને લોન વાંચુકો છે બેંક સાથે અથવા ભારત સરકારની જે સ્કીમ્સ છે, ગુજરાત સરકારની સ્કીમ્સ છે, જે બેંકેબલ સ્કીમ્સ છે જેમાં તમામમાં લોન સાથે સબસિડીનો અમાઉન્ટ પણ ખૂબ જ મોટો હોય છે, ટૂંકમાં 25%થી 35% સુધી સબસિડીનો અમાઉન્ટ હોય છે, તે તમામમાં જેમના એલિજિબલ છે, જેની ક્વોલિફિકેશન છે, તમામને ભાગ લેવા માટે હું અપીલ કરું છું। થેન્ક યુ। राजकुमार महावर, क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा हिम्मतनगर। आज बड़ा खुशी की बात है कि भारत सरकार द्वारा जो मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है उसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने और सभी बैंकों ने मिलकर लगभग 60 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया। और जैसा कलेक्टर साहब ने बोला कि आने वाले 4 दिनों के अंदर लगभग टोटल 100 करोड़ करना है, तो हम आशा करते हैं कि लगभग 100 करोड़ हो जाएगा। अभी इसके अंतर्गत हमने SHG हाउसिंग लोन, रिटेल लोन, आप कह सकते हो व्हीकल लोन। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लगभग 100 SHG को हमने जोड़ा है और उनको फाइनेंस किया है। इसमें सभी बैंकों का बहुत सच्चा सहयोग रहा है। और जीवन ज्योति बीमा योजना जिसके अंदर 2 लाख का बीमा मिलता है और केवल 330 रुपये के अंदर साल का, और PM सुरक्षा बीमा योजना जो केवल 12 रुपये के प्रतिवर्ष की उसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर होता है उसके बारे में जानकारी दी और काफ़ी लोगों को मतलब कहे कि इसमें लाभान्वित भी किया गया। धन्यवाद सर। थैंक यू।